तो दोस्तों हमारे यहाँ पे कल रात को बहुत ज़्यादा बारिश हुई और भाई मेडिसिन है ये हमारा जो फूड है भाई बाहर ही रह गया पिजन्स का, जो आखिरी दाना बचा था, बट भाई अभी ये सारा का सारा गीला हो गया, तो भाई हमारे पिजन्स नहीं खाएंगे क्योंकि हमारे पिजन्स आपको होता है भाई बहुत ही ज़्यादा नखरेबाज है। तो अभी हमें क्या करना होगा भाई, ये फेंकना होगा नहीं तो या मैं किसी जगह पे इसको लगा दूंगा, ठीक है यार, ये गेहूं आराम से उग जाएंगे, ठीक है। तो चलो भाई हमारे फैंसी नखरेबाज पिजन्स आपके लिए मैं दाना लेके आता हूँ। Hey guys, welcome back और the Daisy Fish में आप सभी का फिर से वेलकम। तो दोस्तों मैं अभी जा रहा हूँ मार्केट जाकर हम वहां से दाना लेके आएंगे, ठीक है। तो चलो भाई, तो पहले ना मैं मेरे दोस्त को पिकअप कर लेता हूँ अभी। तो दोस्तों मैं अभी आ चुका हूँ मार्केट में और हमने ले लिया भाई बाजरा। हमारे पिजन बाजरा बहुत ही अच्छे से खाते हैं भाई, और बजीज के लिए भी बाजरा, ये देखो भाई ये है बाजरा। और ये ले लिया भाई हमने हरभरे, जो कि हमारे पिजन ये भी बड़े शौक से खाते हैं, हरभरे उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो भाई मैं ये भी ले लेता हूँ, ये थोड़े ज़्यादा लेता हूँ क्योंकि यार लगे ख़त्म हो जाएंगे भाई, 7-8 दिन का काम है, सबके ख़त्म हो जाएंगे, 7-8 दिन भी नहीं लगते, 4-5 दिन में पूरे के पूरे ख़त्म हो जाएंगे। दोस्तों मैं बाजार से सामान लेके आ गया और मैंने हमारे पिजन्स के लिए और बाकी सारे परिंदों के लिए इतनी सारी क्या बोलते हैं इसे, इतना सारा मैंने दाना लाया है। तो भाई इसमें अलग अलग तरह का अलग अलग दाना है भाई, तो देखते भाई कौन कौन सा है। ये है भाई हरभरा, भाई हमारे यहाँ पे इसको हरभरा बोलते हैं, चना भी बोलते हैं, ठीक है। ये देखो ये चना, ओह यार शिट 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 शिट। और ये है भाई बाजरा, जो कि हमारे कॉकटेल और बजीज के लिए और हमारे पिजन्स के लिए, वो भाई ठीक है। अच्छा ये है ज्वारी। मैं अभी क्या करता हूँ ना दोस्तों, ये सारा का सारा दाना है ना हमें मिक्स कर देंगे, और ये क्या है, ये कुछ है यार इसका नाम नहीं पता, सारा दाना मैं क्या करता हूँ मिक्स कर देता हूँ, फिर मैं आपको मिलता हूँ। मार्केट से मैं चार से पाँच तरह के मैं दाने लेके आया, ठीक है। ये रहेगा हमारा हरभरा और ये हमारी ज्वारी वगैरह, और इसमें मैंने एक दो तरह के मैंने दाने भी मिक्स किए। ये देखो ग्रीन वाला आपको दिख रहा होगा, एक ब्राउन वाला है, मुझे पता नहीं यार इनका नाम। और ये होगा भाई हमारा बाजरा, ठीक है। तो भाई हमारा बाजरा हमारे बर्ड्स मतलब पिजन्स वगैरह सबको चलता है भाई, ठीक है। सिर्फ ये चलेगा हमारे पिजन्स को, ये हमारे बजेज वगैरह नहीं खा सकते क्योंकि ये भाई थोड़ा कड़क होता है, और इसे हम बिगो पर वगैरह दे सकते हैं। एक चीज़ भूल गया, हमारे बजेज के लिए जो राड़ा रहता है ना, वो यार मेरे मतलब दिमाग में ही नहीं रहा यार। तो अभी हम नेक्स्ट टाइम जाएंगे ना, अभी नेक्स्ट टाइम हम लेके आएंगे, नहीं तो अभी पेट शॉप पे जाना होगा, पेट शॉप से हम लेके आएंगे, बट हमारे पास थोड़ा बहुत स्टॉक पड़ा है उसका, बट ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। चलो अभी मैं हमारे पिजन्स को देता हूँ, मैं ना इस कप की मदद से भी निकाल दे जाऊँगा। ये तो भाई हमारा सिर्फ 7-8 दिन चलने वाला है, चलो फिनिश कर लेते अभी हमारे पिजन्स को देते हैं। तो अभी इतने ज़्यादा शौक से कहेंगे ना भाई, इधर ही रख देता हूँ। चलो आफ 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 आफ, देखो भाई इन्होंने रिहा कर दिया भाई, इनको बहुत ज़्यादा पसंद है भाई ये। और ये हमारी लिली को देते हैं, आजा भाई लिली। आजा। हमारे स्नो को और ब्लैकी को बहुत ज़्यादा पसंद है, देखो भाई की शौक से आएंगे। चल आ जाओ भाई, चल ये देखो भाई अभी ये क्या है। ओ यार ये बनाना का यार, इसने खाया नहीं ये। ऊपर वाले परिंदों को देते हैं भाई, चलो ओ खुल जा भाई खुल जा। ओ खुशखबरी क्या है पहले, ओ शिट। ओ भाई ओए मैं डर गया भाई, हमारे बॉब को क्या हुआ, ऐसे वहीं से बैठा था ना, डरा दिया यार इसने तो। ये वाला न्यू वाला स्कोर जो है ना, ये यहाँ पे है यार, दिख नहीं रहा है,
ये दिख गया, ये देखो भाई मेरे पे अटैक करने आ गया, ये बड़ा अटैक करता है। और यहाँ पे हमारा बॉब है। तो दोस्तों अभी हमारे डव्स को मैं बाजरा वगैरह दे देता हूँ, तो चलो। ये है बाजरा, बड़ा शौक से खाते भाई डव्स। मैंने देखा यार इनको, और ये अभी इतने देर से मैंने इनको बाजरा नहीं दिया था, मैं इनको राड़ा वगैरह बाकी दूसरा फूड दे रहा था, जो सॉफ्ट फूड वगैरह होता है वो आप देख ही सकते हो। और ये देखो भाई ये बेबी डव कितना बड़ा हो गया। तो मैंने एक शॉर्ट डाली थी, तो उसमें मैंने हमारे बेबी डव के लिए नाम पूछा था सारे भाइयों को। सब बहुत सारे भाइयों ने मुझे नाम सजेस्ट करा कि भाई आप इसका नाम डोडो रखो, आप इसका नाम ये रखो वो रखो। तो मुझे बहुत सारे भाई ने अलग अलग नाम रखे, तो इसका हम एक चूज कर लेंगे भाई इसका क्या नाम हमें रखना है, ठीक है। तो इतने सारे कमेंट्स आए तो मुझे वो सारे कमेंट्स अभी पढ़ने होंगे, और हम उसमें से हम एक नाम रख देंगे, ठीक है, हमारे बेबी डव का। और चलो अभी मैं हमारे सारे फिशेस को दे दूँ भाई ड्राई ब्लड वॉर्म्स, क्योंकि इनको एक दो दिन से मैं कंटिन्यू दे रहा हूँ भाई, कौन सी यार वो लाइव ब्लड वॉर्म्स होती है वो दे रहा हूँ। तो देखो यार ड्राई ब्लड वॉर्म्स भी उतना ही शौक से खाते हैं जितना लाइव ब्लड वॉर्म्स आते हैं। तो ये है हमारे, ये है मॉली फिश, ओके 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 शॉर्ट टेल्स, और ये है हमारी वाइट मॉली फिश। और यहाँ पे भी देता हूँ हमारे थोड़ी बहुत टक्सेडो गप्पीज और ऑस्कर फिश है वहाँ पे। और देखो भैया यहाँ का सारा पानी भाई ग्रीन हो गया यार, सिर्फ अभी 3 से 4 दिन हुए उसे सेट करते हुए। तो चलो भैया अभी हमारे इनको भी दे देते हैं डम्बोयर को, और ये भी बड़े मज़े से खाते हैं यार। तो चलो अभी सबसे मेन हमारे जो बेबी फिश का जो पॉन्ड है अभी उनको देते हैं। और नीचे गिर गया यार। तो चलो यार ये भी बड़े मज़े से खाते हैं, इनका अभी पानी चेंज किया था यार हमने कल या परसों में। तो देखो यहाँ पे अभी सारे फिश यार कंफर्टेबल, और मुझे बहुत सारे भाई कह रहे थे कि भाई आप यहाँ पे हाइडिंग प्लेस कर दो, तो ठीक है यार कर देंगे। और दोस्तों मैंने यहाँ पे भाई क्या देख लिया भाई, मॉर्निंग में हमें अभी इनको खाना ही दे रहा था भाई, मैंने देखा भाई यहाँ पे हमें छोटे 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 हमें ब्लड प्लेट के बेबीज देखे यार। आज की जो खुशखबर है, आज की जो हैप्पी न्यूज़ है भाई, जो भी है यार। तो चलो यार पहले मैं इनको निकाल लेता हूँ, और पहले सब साड़ा हाइडिंग प्लेस हम साइड में कर लेते, पहले हम इनको कैच कर लेते, नहीं तो भाई ये उनके बेबीज के ऊपर अटैक कर देते। चलो चलो जल्दी यार निकल जा भाई, देखो यार कितने सारे बेबीज है भाई साहब। ये देखो यहाँ पे देख सकते हो, ओ भाई साहब यहाँ पे भी है, यहाँ पे हमारे बड़ा पेयर है। तो चलो इसमें टब में निकाल लेता हूँ जल्दी जल्दी। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे हमारे सारे फिश मैंने निकाल लिए, मतलब यहाँ पे मैंने बड़े ब्रूडर भी निकाल लिए, और जो पिछले लॉट के जो बेबीज थे वो भी मैंने निकाल लिए। और ये देख सकते हो छोटे छोटे बेबीज, और इनकी जो मॉम है मुझे ये लग रही है शायद से। तो देख सकते हो अभी मैं इनको जल्दी जल्दी पकड़ लेता हूँ। ये जो है ना अभी मैं पकड़ रहा हूँ, ये हमारे पहले वाले बैच का बेबी, मतलब लास्ट मंथ में हमारे मोलिम ब्लैटे ने दिए थे ना, हमने कैच किए थे, तो ये वो वाले बेबीज है जो कि अभी बहुत बड़े बड़े हो गए, 1 सेंटीमीटर के भी आसपास तो आ गए। और ये जो छोटे छोटे हैं बाकी, ये अभी आज हुए या कल रात को हुए मुझे नहीं पता यार, बट दिया भाई इसने बहुत अच्छी खुशखबर दिया हमें। तो चलो अभी इनको भी निकल देता हूँ सारों को। तो अभी मैंने सारे फिश जैसे वैसे रख दिया, और इनका हाइडिंग प्लेस फिर से मैंने कर दिया, क्योंकि हमारी और एक बलून फिश बेबीज देने वाली है, एक दो दिन में वो भी दे देंगे शायद से। तो अभी मैं सारे बेबीज उधर लेके जाता हूँ और इनको सेव कर देता हूँ भाई, नहीं तो मैं इनके साथ रहने दूँगा तो भाई एक भी नहीं हमारा बेबी बचेगा। तो चलो हमारे बेबीज अभी यही रहेंगे, और यहाँ पे थोड़ी बहुत धूप से भी बचे रहेंगे, ग्रेनेट है तो कोई दिक्कत नहीं भाई। हमारे बलून प्लेटे ने हमारे यहाँ पे ना सेकंड टाइम ब्रीड किए, ठीक है। ये हमारे फर्स्ट टाइम के बेबीज आपने देखे होंगे कितने बड़े बड़े हो गए, अभी ये सेकंड टाइम है, और एक हमारे बलून प्लेटी फिश है वो भी एक दो दिन में बेबीज दे देगी। यार इसका क्या करूँ यार मैं, यहाँ पे हमारा बहुत ही बड़ा प्लानिंग है भाई, जो कि आपको पता चल जाएगा 3 लाख सब्सक्राइबर पे। मैंने कर दिया फिर से, शायद से ये वाले पोलर पायरेट ने ना एक दे दिए है कोने में, क्योंकि ये देखो यार ये एग्रेसिव हो रही है। यहाँ पे मैं हाथ डालता हूँ ना, ये देखो भाई इनका सेटअप हमें यार चेंज करना था, बट इसी की वजह से मैंने किया नहीं। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो का हम एंड करते हैं, और वीडियो अच्छी लगे दोस्तों लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और दोस्तों क्या बोलना चाहता था मैं, हाँ यार आज के वीडियो में हमने क्या किया, आज की वीडियो में हमारी जो बलून प्लेटी भाई उन्होंने कर दी भाई फाइनली ब्रीड। और क्या किया था यार आपने, याद नहीं आ रहा यार, पहले कुक पिजन आए के वो देख लेते, तो पूरा अंदर आ गया यार, ओके सारे पिजन्स तो आ गए, और एक बेबी यार नीचे आया हुआ है आज, जो कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ये टैंक सेटअप आपको कैसा लगा, और ये जो फाइटर फिश है आपको कैसी लगी, आप मुझे ज़रूर सजेस्ट करना, ठीक है। और मैं अभी कल जाने वाला हूँ भाई पेट शॉप, तो ये मेरे दोस्त का टैंक सेटअप है, कितना खूबसूरत है यार, वाह।
और ये कौन सी फाइटर फिश के फीमेल से आप वो भी मुझे सजेस्ट कर देना। वाह यार जबरदस्त कलर बहुत ही चौड़ा खूबसूरत है यार इनका। हे बड़ी हेलो हेलो आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए। ओ भाई साहब